आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी लंबे समय से निजीकरण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम 2021 को जनभावनाओं एवं विद्युत कर्मी विरोधी बताते हुए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को विद्युत कंपनियों के 15 प्रमुख संगठनों के महागठबंधन मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष जीके वैष्णव एवं मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा के कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश मेहना ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रस्तावित विद्युत अधिनियम 2021 निजीकरण को बढ़ावा देगा, इसलिए उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। साथ ही विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित संविदा आउटसोर्स कर्मियों की प्रमुख मांगों के निराकरण हेतु शासन प्रशासन से लगातार पत्राचार एवं चर्चा की जा रही है, किंतु सरकार की ओर से बिजली कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इंदौर में पोलो ग्राउंड पर प्रदर्शन के दौरान मुकेश मेहना ने संयुक्त मोर्चा की मांगों को लेकर बताया कि प्रमुख रूप से विद्युत कंपनियों का निजीकरण नहीं करने तथा विद्युत सुधार अधिनियम 2021 संसद में पारित नहीं किए जाने, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने, आउटसोर्स कर्मचारियों का विद्युत कंपनियों में संविलियन करने, कोरोना से मृत बिजली कर्मी को कोरोना योद्धा मानकर 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बिजली कर्मियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, वेतन वृद्धि अभिलंब प्रदान करने एवं वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके पूर्व धरना प्रदर्शन पर मोर्चा नेताओं ने विद्युत कर्मियों को संबोधित किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बताया कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार तथा 13 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी कर्मचारियों ने मन बना लिया है। बिजली के क्षेत्र को निजीकरण बंद करो, बंद करो। बिजली के क्षेत्र से निजीकरण बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। बंद करो सुविधा कर्मियों को, नियमित करो, करो सुविधा करो। आउटसोर्स कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो। कोरोना योद्धा घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज जो है वृत्त स्तर पर धरना प्रदर्शन कर आम सभाएं की जा रही है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसी क्रम में आज इंदौर में भी संयुक्त मोर्चा के सभी 15 घटक संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन का कार्यक्रम किया जाएगा। निजीकरण से किस तरह से आप लोगों के हित प्रभावित हो रहा है उसको लेकर थोड़ा सा बताएं आप। केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा विद्युत सुधार अधिनियम 2021 संसद में पारित करने का पटल पर रखा गया है और उसी के विरोध में हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी शासन से मांग है कि एक तरफा इस अधिनियम को पारित नहीं किया जाए। इसके जो स्टेक होल्डर है जैसे कि बिजली के उपभोक्ता एवं कर्मचारी, उनके पक्ष को भी सुना जाए, उसके पश्चात ही इसमें आवश्यक संशोधन के उपरांत ही आगे की कार्रवाई की जाना चाहिए। धरना प्रदर्शन के जरा क्या लगता है, किस उम्मीद से आज आप लोग कर रहे हैं निजीकरण का, किस तरह से इसमें सरकार मानेगी आपकी मांगों को? हमारी उम्मीद तो बहुत है क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कैबिनेट में निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा है, आप ये बात आप सब लोगों को मालूम होगी और वो बात हम जनता को भी बताना चाहते हैं कि मोबाइल में आप बैलेंस किसी का भी डला लोगे, सिम किसी की भी डला लोगे, लेकिन घर में बिजली का कनेक्शन आप जिसका है उसी का रखोगे या किसी और कंपनी का भी ले लोगे। तो मैं सम्मानित साथियों, केंद्र सरकार में जो बजट पेश होने जा रहा है सत्र में, उसमें मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ही नहीं समूचे देश का जो बिजली बोर्ड है उसको रखा गया है और उस निजीकरण को लेकर के मध्य प्रदेश में हम लोग 17 संगठन एकजुट होकर के इस मंच के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इस निजीकरण को रोका जाए और निजीकरण के साथ साथ ही अभी तत्कालीन जो समस्या है उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना मध्य प्रदेश सरकार दे रही है और ना केंद्र सरकार दे रही है। जबकि आपने देखा कि कोरोना पीरियड में हमारे कितने लोग मर गए हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हमारे कर्मचारी मरे हैं। तो मैं
आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को इसमें सचेत होकर के तुरंत ही कार्रवाई करना चाहिए।